रिलेटेड आज़ाद कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम वो कहते हैं, और वो उसको जो है वो जो जम्मू एंड कश्मीर कह लेते हैं। ये बेसिकली नॉमेनक्लेचर है, जैसे जैसे जिस चीज़ को पॉलिटिकली सूट करता है। पर सब ये बताइएगा कि मैं अगले दिन आपकी एक ट्वीट भी देख रहा था कि कश्मीर के अंदर बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नॉर्मली पाकिस्तान का मीडिया जिसको हाईलाइट नहीं करता, क्या वजह है कि कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं, हमने जीबी में भी प्रोटेस्ट देखे, वो तो खैर एक और एंगल था उसका, लेकिन कश्मीर के अंदर भी हमें जो प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्योंकि आप एक बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, रिसेंटली आपने कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामियों की किताब भी लिखी, ज़रा बताएं कि क्यों कर कश्मीर में लोग निकले हैं, क्या ऐसा मसला है जो पाकिस्तान की सरकार हल नहीं कर पा रही? थैंक यू जी चीमा साहब। इसका एक पहलू तो ये है कि बहुत ज़्यादा मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, तो बेसिकली इस पर हमने बहुत दफ़ा डिस्कशन की है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है आज़ाद कश्मीर को लेके, तो उसके उस तरफ से कोई ऐसी खबर जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हंकी डोरी जिसको कहते हैं ना हो, जिसमें कोई अच्छी अच्छी बातें ना हो, तो उसको मीडिया पेश करने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसको फिर लोग कंपेयर करते हैं जम्मू कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से मराद भारती ज़ेर इंतज़ाम जो जम्मू इलाका है जम्मू कश्मीर का, तो वो फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है, जो तासर हमारी एस्टेब्लिशमेंट दे रही है ख़ुद पाकिस्तान के अवाम को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर एक जन्नत है जिसमें दूध और शहर की नहरें बहती हैं, उसमें 100% रोज़गार है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग खुशहाल हैं, तालीम जो है वो 60-70% ख्वानगी की शरह है, बच्चियां जो हैं वो 80% जो हैं वो ग्रेजुएट बल्कि एम फिल और पीएचडी हैं। तो इस तरह का जब आप एक हंकी डोरी किस्म का जो है ना पिक्चर देते हैं, तो फिर कोई ख़बर ऐसी आए जिसमें बिल्कुल ही उलट हो, या उस खबर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंडरकट करती हो जो आप देना चाहते हैं, तो उसमें फिर थोड़ा सा ये है कि मीडिया का वो हिस्सा कंफ्यूज हो जाता है जो इन्फॉर्म नहीं है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस के बरक्स है कि मैं जहाँ कहीं मीडिया के साथ हूँ या लिखता हूँ, तो वो मीडिया वाले चूँकि इन्फॉर्म्ड होते हैं बेसिकली बैकग्राउंड एवरीथिंग, तो वो तो लिख देते हैं, वो छाप भी देते हैं, चूँकि उनको पता होता है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और नतीजा क्या है। तो इसलिए एक पहलू तो ये है कि ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा, और दूसरा ये कि है क्या ना दिखाने की। यही बात मैंने 2 हफ्ते पहले बीबीसी के हवाले से की थी, ब्रिटिश मीडिया में जो हमारे कुछ स्मॉल टाइम आउटफिट्स हैं उनके साथ, और बाद में बीबीसी के एक सीनियर शख्स हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने यही कहा कि जनाब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है उसको गवर्नमेंट फंडिंग है, और हमारे 1.5 मिलियन कश्मीरी उसको जो है टैक्स देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिस्तान बरतानिया को, तो उसके ज़ेरे अहतमाम एक अदारा जो है वो जब ऐसा कोई मौका आए कि यही जो 1.5 मिलियन टैक्स पेयर हैं उनके बैक होम में कोई बुरी खबर है, तो वो भी चूँकि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं चाहती, तो वो भी उसको ब्लैकआउट करे, तो ये बीबीसी है या पीपीसी है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बीबीसी पे एक बहुत बड़ा तफसीली आर्टिकल आया कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। वही बात पाकिस्तानी मीडिया की है कि हमारे जो बड़े बड़े जुगादरी साफ़ी हैं उनको पूरी दुनिया नज़र आती है, चीचनिया में, बासनिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ, ये आप देखें हमास के हवाले से किस तरह वो कर रहे हैं, लेकिन उनको आज़ाद कश्मीर में नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे तारीख में पहली दफ़ा 2 वीक पहले अनप्रेसिडेंटेड जो है ख्वातीन का जुलूस, जिसकी क्यादत ख्वातीन कर रही थी, जिसको हैंडल, जिसकी स्पीचेस, जिसकी एमसी जो होती है वो जो मॉडरेटिंग का प्रोसेस, सब ख्वातीन के हाथों में था, और तारीख में कभी इतने बड़े जुलूस नहीं निकले आज़ाद कश्मीर की तारीख में, कि शहरों के शहर भरे हुए थे और हर जगह शटर डाउन था और अवाम उनके साथ थे, ख्वातीन उसको लीड कर रही थी। आज एज वी स्पीक वहाँ पे तुलबा का मजाहरे थे, और इसी तरह हर शहर में
शहर बंद थे और एजिटेशन कामयाब, तो उसका जो है वो कोई उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया को करना चाहिए, क्योंकि उनके लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हर अखबार का नुमाइंदा है, हर टेलीविजन जो आपका है उसका कोई ना कोई नुमाइंदा, कोई ना कोई फुल टाइम पार्ट टाइम आदमी बैठा है, लेकिन इसका मुकम्मल ब्लैकआउट है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने इसको मुकम्मल तौर पर एक्नॉलेज किया और उन्होंने अपनी मीटिंग्स तक में ओपनली एक्नॉलेज किया कि ये मतालबे सारे जेन्युइन हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है, क्योंकि उन मतालबों का ताल्लुक आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। और मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, उसने एक मतालबा ये बिजली पे नाजायज़ टैक्सों का है जो पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा मतालबा है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह एक्टिविज़म नहीं है अवामी सतह पर जिस तरह आज़ाद कश्मीर में एक्टिविज़म है ना, कि जिसमें स्टूडेंट, मज़दूर, किसान, ख्वातीन एक रोल प्ले करते हैं किसी इस तरह के इशू पे। लेकिन वो वही इशू है कि आप पाकिस्तान में बिजली का बिल जो है वो कम से कम मिनिमम जो है 40-50 यूनिट से शुरू होता है पर रुपए पर यूनिट से, जो गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और आपने अखबारों में इधर देखा होगा कि कई लोगों ने बिल की खातर खुदकशी कर ली या हाथ खड़े कर लिए जी कि ये हम फीस दें बच्चों की, उनके लिए आटा खरीदें या बिल दें। ये जो IMF के साथ पाकिस्तानी हुकूमत की डील हुई उसका जो है वो फॉल आउट आप कह सकते हैं कि जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ तो कहाँ कहाँ से सब्सिडीज ख़त्म हुई, कहाँ पे टैक्स इंक्रीज हुआ, किस जो है वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे टैक्स नहीं था उस पर भी लगाना पड़ा, जिसमें बिजली पे को 50 किस्म के टैक्स लग गए, जिसको अदालतों ने भी नाजायज़ करार दिया बाज उस वालों से। तो यही सिचुएशन है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि आज़ाद कश्मीर बुनियादी तौर पे एक ऐसा इलाका है जो बिजली पैदा करने वालों में शामिल है अपनी ज़रूरियात के अतबार से। आज़ाद कश्मीर की कुल ज़रूरत जो है वो बिजली की वो है 400 यूनिट, विच इज़ अ पीनट, विच इज़ नथिंग। वो 400 यूनिट क्यों है कि वहाँ कोई हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री या कोई इस तरह की चीज़ नहीं जिस पे बहुत बड़ी बिजली खर्च हो, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है, छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, तो वो बिजली की बेसिक ज़रूरियात जो हैं ज़्यादातर रोशनी या कुछ छोटी मोटी मशीनों के लिए या हीटिंग या इस तरह की चीज़ों पे, तो उसकी टोटल ज़रूरत जो है यानी बहुत ज़्यादा ओपन एस्टिमेट के मुताबिक 400 यूनिट से ज़्यादा नहीं। जबकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो बिजली पैदा होती है वो 3,500 यूनिट से ऊपर है, यानी 3,500 आई एम टॉकिंग अबाउट 1,000, और 400 यूनिट आई एम टॉकिंग अबाउट द नीड, एस्टिमेटेड नीड फॉर द होल टेरिटरी। तो उसमें जो है वो ये सवाल लोग उठाते हैं कि भाई ये बिजली जो यहाँ पे पैदा होती है इस पे लागत तो आती है 2.50 रुपए जो एस्टिमेटेड है, इट कुड बी अप एंड डाउन फ्यू पेंस और पैसे और व्हाटएवर आप कह लें, तो वो ये कहते हैं कि 2.50 रुपए से ये बिजली की लागत शुरू होती है, उसके बाद ये बिजली जाती है पाकिस्तान में नेशनल ग्रिड स्टेशन में, उसके बाद इसमें कई किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कंपनियाँ इन्वॉल्व होती हैं, और वापस जब आके यहीं पर हमें यही बिजली बेची जाती है, यानी बिजली प्रैक्टिकली तो सफ़र नहीं करती जाहिर है, लेकिन ये प्रोसेस है, तो वही प्रोसेस अडॉप्ट करके तो जो हमारी 2.50 रुपए की बिजली है वो हमें 40 रुपए से स्टार्ट होती है, तो 70-81 तक जाती है। ये डिपेंड्स के आपके टोटल यूनिट की कंजम्पशन कितनी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नाजायज टैक्स हैं और ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये नेशनल ग्रिड स्टेशन तक बिजली ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, मंगला डैम आज़ाद कश्मीर में है या जो है वो नीलम झेलम डैम आज़ाद कश्मीर में है या ओलार डैम, कोई डैम भी जिन सब को मिला के 3-4 हज़ार यूनिट बिजली पैदा होती है, तो उसका ग्रिड यहाँ होना चाहिए और यहाँ के लोगों को आप 400 यूनिट की बिजली लागत जो है बिजली की प्लस उस पर जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं प्लस उस पर जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के सर्विस चार्जेस या ऑनरेबल किस्म की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फी या सब कुछ है वो डाल के भी तो आप हमें देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 से 10 चलो 10 रुपया कर लें पर यूनिट, जबकि आप ये सारा हेरफेर करके बीच में 2 लाख लोगों को इन्वॉल्व करके उनकी जेबें भर के
तो हमें जो है वही चीज जो है वो 50 या 70 जो रुपया पर यूनिट दे रहे हैं, जो कि एक बहुत करप्शन का एक अजीम शान, यानी आप समझ लें कि मनसूबा जो है उसको एक्सपोज करने का एक डायलॉग है जो गुज़श्ता 6 महीने से वहां पे जारी है। लोग सड़कों पे हैं, कैंपू लगा के बैठे हुए हैं, धरने दे के, और हुक्मरान तबकात भी ये मानते हैं कि ये है, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। वो क्यों उनके बस में नहीं, कि वो बेअख्तियार किस्म की एक लोकल अथॉरिटी है, वो इस तरह के चीज़ों के डिसीजन करने के लिए इम्पावर ही नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली की तकसीम का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, जिसके लिए जाहिर है बुनियादी डॉक्यूमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चीज़ें तय करता है, मसलन आपकी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है या ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे आप बैठ के तो बात करते हैं कि भाई ये पाकिस्तान में मसल बिजली को कैसे तकसीम किया जाए फॉर एग्जांपल, तो उसमें वो उन इलाकों के स्टेक होल्डर्स को भी आप बैठाते हैं। अब इनको ये इसलिए नहीं बैठाते हैं कि वो कहते हैं जी ये तो काउंसिल है हमारे सूबों के लिए, जो हमारे पास 1, 2, 3, 4 यानी सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा है, आप तो हमारा सूबा ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आप तो यू आर नोबॉडी, तो हम आपको किस तरह आके बिठाएंगे, आप बात करें जी कि हम कैसे तकसीम करें, इसलिए हम ऐसे तकसीम करते हैं। उसको भी वो सूबों के खाते में डालते हैं व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द रिसोर्सेस। अब वो इनको कहते हैं कि भाई साहब अगर ये बात है तो फिर आप जब ये इससे जो मुनाफा है उसको तकसीम करते हैं तो वो हमें क्यों नहीं देते। कहते हैं जी वो भी इसलिए नहीं दे सकते कि आप हमारा सूबा थोड़ा ही है, मुनाफा तो हम सूब को देते हैं। अब ये इट हैज बिकम ए जोक कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट यू हैव, तो उसको कैसे होना चाहिए। ये अब पाकिस्तान की सेनेट की कमेटी में भी डिस्कस हुआ, जहाँ पे उन्होंने जो लोकल अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं चौधरी अनवार अलग साहब, उनको भी बुलाया, उनको भी कहा बात करें भाई, उन्होंने भी यही बात की सामने की, उसका वीडियो मौजूद है, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम बिजली इतने की पैदा करते हैं और हमें इतने की मिलती है, तो लोग पूछते हैं कि ये क्यों है, तो मैं क्या जवाब दूँ। तो ये एक जेन्युइन किस्म की बात है, इसको आप उस तरह मीडिया पे ले जाएंगे तो फिर लोग कहते हैं जी भारतीय जम्मू कश्मीर में बिजली पर यूनिट कितनी है, तो जाहिर है वहाँ बहुत सस्ती है, कोई कंपैरिजन नहीं बन सकता। आटा जी पर मन कैसे है, तो उसमें कोई 10 गुना फर्क पड़ता है, वो बहुत सस्ता है, 3 गुना 4 गुना सस्ता है। इवन 1 किलोमीटर अक्रॉस द बॉर्डर आप चेक करके देख लें पूंछ शहर में कि आटा फी मन कितना है, अब आटे में यही बिजली वाला एग्जैक्ट मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है कि उसमें उन्होंने जो सब्सिडी और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया हुआ है उसमें अपने बंदे बैठाए हुए हैं, अपनी मनपसंद कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया हुआ है, उनको रिश्वत उनसे लेते हैं, कमीशन लेते हैं और 10 रुपए का आटा 1000 रुपए का बना के बेचते हैं। तो ये जो एक समझ लें ना कि एक अंधी करप्शन हो रही थी गुज़श्ता 70 साल से आज़ाद कश्मीर में, उसको बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया अवाम ने, और ये जो तहरीक है इसको अवाम चला रहे हैं, इसमें कोई नज़रिया आइडियालॉजिकल लीनिंग नहीं है बल्कि ठोस हकायक हैं, और यही वजह है कि उन लोगों को तकरीबन 80% पॉपुलेशन की हमायत हासिल क्यों है कि उन्होंने जो अपील की कि आप बिजली के बिल पे ना करें तो 80% लोगों ने नहीं पे किए। तो ये सिचुएशन है जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, एक प्योरली लोकल अवामी मूवमेंट है, इसका सरकार किसी सियासी जमात से ताल्लुक होना कोई वो नहीं है, वो डेफिनेटली दैट्स व्हाई जिसको लोगों को भी पता है कि जब सियासतदान चीज़ कह रहे होते हैं तो उसके पीछे पॉलिटिकल मकासद होते हैं, और जब जनरल पब्लिक, और आपने खवातीन का जिक्र किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ एटलीस्ट खवातीन बाहर निकली हैं कश्मीर के अंदर, हर जगह निकलना चाहिए, दे आर द 50% शेयर होल्डर ऑफ द एंटायर, जो स्टेक होल्डर उन्हें कहना चाहिए ऑफ द एंटायर सिस्टम। बलोचिस्तान ग्वादर में भी खवातीन निकली थी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है कि हमारी खवातीन जो हैं वो एटलीस्ट वो मेन स्ट्रीम हो और उनको आवाज़ मिले। पर इससे मूविंग ऑन, एक और छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, कि प्राइम मिनिस्टर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पहुँचे हुए हैं चाइना, जहाँ पे बेल्ट एंड रोड फोरम की तीसरी जो है वो कुछ मीटिंग हो रही है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, और मज़े की बात है उनसे रशियन प्रेजिडेंट पुटिन की मुलाकात हुई है। उनसे तो आजकल कोई भी नहीं मिलता पुटिन साहब से, बिकॉज वो प्राय बन चुके हैं
ना वो कि ट्रैवल करते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो के बीच में ना आ जाए, उनको गिरफ्तार ना कर दिया जाए, ना वो G20 के लिए आए, ना वो अफ्रीका गए ब्रिक्स मीटिंग के हवाले से। आप ये बताएं कि, और ख़ास तौर पे मज़े की बात है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को सुन रहा था तो जो उनके ओपनिंग वर्ड्स थे उन्होंने कहा रशिया और हमारे ताल्लुकात इम्प्रूव हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जैसे कि दहशतगर्दी को काउंटर करना, फिर इकॉनमी और ऑल दैट। एक तो मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पर इस चीज़ पर इख्तलाफ है कि हम दहशतगर्दी से आगे ही नहीं जा सकते। हमारे वज़ीर आज़म के मुँह में जो पहला लफ्ज़ होता है वो दहशतगर्दी को काउंटर करना होता है। और दूसरा ये बताइए कि आप इस मीटिंग को कैसे देखते हैं, लगता है कोई ब्रेक थ्रू होगा, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की केयर टेकर कैबिनेट से मिले हैं, क्या आप समझते हैं कि रशिया भी आइसोलेटेड है, दे नीड न्यू पार्टनर्स एज वेल, और पाकिस्तान अमूमन 50-50 रखता है अपने आप को, और पाकिस्तान के ऊपर तो रिसेंटली ये बात भी आई थी कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला बेचा है ऑन दी अमेरिका ने कहा था उस हवाले से। बट हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट एंड हाउ डू यू सी के जो रशियन प्रेजिडेंट सी दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे हैं, पहला लफ्ज़ इन्होंने ये बोला हम आपसे टेररिज्म के हवाले से कोऑपरेट करना चाहते हैं। पहली बात ये है जी कि आप किसी भी जीश और सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान से ये पूछेंगे कि ये जो है इस मीटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो सबसे पहले इस हुकूमत की जो इंटाइटलमेंट है और लेजिटिमेसी है टू सीक ए मीटिंग लाइक दिस वो क्वेश्चन करेगा कि भाई ये हुकूमत किस मकसद के लिए आई है, कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पावर्ड है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब, और क्या उस स्पेसिफिक जॉब से जुड़े सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल कर दिए उन्होंने। अगर उस बहस में मुझे जाऊँ तो मुझे तो कई घंटे चाहिए कि ये जितना इस वक्त पाकिस्तान में एक आज पाज का निज़ाम इन्होंने कायम कर रखा है उसमें इलेक्शन के हवाले से आज तक एक कदम भी इन्होंने ऐसा नहीं उठाया केयर टेकर्स ने जिससे ये लगता हो कि ये इस मुल्क में कोई फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सियासी पार्टी को जिसने जिसको आप मिलजुल के विक्टिमाइज कर रहे हैं उसी की तरफ से अगर कोई ऐसा एक रीजनेबल क्वेश्चन उठाया जाता है तो दे डिजर्व एन आंसर, वो उसके लिए आपको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम से गुजर के आंसर देना पड़ता है सिस्टमिक तरीके से, क्योंकि उसमें उनके कई लोग जेलों में हैं तो क्यों हैं, उनको कब छोड़ा जाएगा, वो इलेक्शन में क्या रोल प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनके लोगों में जो तोड़फोड़ का अमल शुरू हुआ है इनविजिबल फोर्सेस की इमा पे उसको कैसे रोका जाएगा। अभी कल भी एक आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये इन सब चीज़ों का ताल्लुक तो इलेक्शन से है ना, चूँकि मैं मेरे जैसा एक इम्पार्शल ऑब्जर्वर जो है वो इसको ग्रास इंटरफेरेंस और प्री इलेक्शन रिंगिंग करार देता है इलेक्शन की, और गवर्नमेंट ला ताल्लुक है, आपके मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, इतलात हैं या जो भी जिनका ये काम है, क्या उन्होंने इस पे एक लफ्ज़ भी बोला है कि इस सिचुएशन में हम कैसे जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। एक पॉइंट तो ये, दूसरा इस तरह की मीटिंगें जो हैं देखें जो मोस्ट पावरफुल तरीन प्राइम मिनिस्टर अगर आप कह लें हालिया दिनों में जो आजकल बियाइंड द बार हैं वो भी रशिया गए थे, और आज भी ये एक पहली है और ये एक सवाल है कि क्या वो रशिया खुद गए थे या किसी ने उनको भेजा था। अब शुरू शुरू में तो उन्होंने हाथ जोड़ के कई दफ़ा कहा कि मैं खुद नहीं गया जी, मुझे तो जितने पाकिस्तान में स्टेक होल्डर हैं सब के कहने पे, दूसरे अल्फाज में उनके कहने पे मैं गया था। जब वो बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसिज्म का शिकार हो गए थे वेस्ट की तरफ से तो उन्होंने ये प्ली ली, उसके अलावा वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं जी ये डिसीजन दरअसल मेरा ही था। अब ये जो इस सतह पर डिसीजन हो रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि आई वुड से कि फेल्ड टू एड्रेस द रियल इशूज जो उसकी कोर इशूज हैं इलेक्शन रिलेटेड, और वो जाके रशिया चाइना और इस तरह की रासवार रशिया चाइना और ये इन लोगों से मुलाकातों का, तो इस वक्त मैं आपको ये हमारे यहाँ जो पहाड़ी जबान में एक बहुत ही फनी किस्म का मुहावरा है, किसी औरत ने बोला था कि मैं कोई नीना न सा था इस कोई दीना न सा, पता नहीं पंजाबी में आप इसको समझ सकेंगे या नहीं, कि यानी मुझे कोई ले नहीं जा रहा था और इसको कोई दे नहीं रहा था। ये जवाब उस खातून ने दिया था एक शादी के जवाब में कि भाई तुमने इस शख्स से शादी क्यों की, तो उसने ये कहा कि मुझे तो कोई दे मांग ही नहीं रहा था मेरा रिश्ता,
और इसको को दे नहीं रहा था, लिहाजा हम दोनों ने मिलकर शादी कर ली। अब इस वक्त है, मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ कि आप ये देखें कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है। इस वक्त सबसे बड़ा इशू इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है ना, इस वक्त दुनिया इस पर फोकस है। उस पर जो करारदाद आई है यूनाइटेड नेशन में, उसमें वोटिंग आप देखें कि उसमें ये बड़ी बड़ी जो सुपर पावर हैं आप बना के अपने आवाम को दिखा रहे हैं, ये चीन है, ये रूस है, ये सारी वही थी ना, तो उस करारदाद का क्या हुआ? वो करारदाद कैसे बीट हो गई इस बुरे तरीके से कि किसी को पता ही नहीं चला कि दो सुपर पावर्स बैठी हुई हैं और दोनों उसके खिलाफ हैं। तो वो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस ने जो चाहा, जिस तरीके से चाहा, वो करारदाद वहाँ पे रह गई। तो वो जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर वाली करारदाद आई है, तो इससे ये सामने बात है कि ये जो किस किस्म का रशिया और चाइना का एक लिमिटेड इंटरवेंशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, वो सिर्फ उनके अपने मफादात के किर्द घूमती है। और चीन के बारे में मैं 100 दफ़ा ये अर्ज कर चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ बड़े मतलब बगैर किसी उसके, कि चीन जो है वो इंटरनेशनल जो ऑर्डर है इस वक्त का, मौजूदा ऑर्डर जिसको स्टेटस को कहते हैं, उसका वो हिस्सा है। उसके मफादात इस हिसाब से अमेरिका के साथ जुड़े हुए, चूँकि उसके अंदर वो इतना ही जो है फ़ायदा उठा रहा है, मुनाफा कमा रहा है जितना अमरीकी बना रहे, तो वो कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता जिसको जो रेडिकली डिसरप्ट करे इंटरनेशनल ऑर्डर को जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। लिहाजा वो एक हद तक जाता है जहां जाके वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जी अब हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, वहां वो 2 कदम पीछे हट जाता है। यही काम वो गजा में भी करेगा या किसी भी इश्यू पे आप उसको ले लें। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ये इसके पॉलिसी मेकर खाम खा फैसिनेट हो जाते हैं, एक्साइटमेंट फील करना शुरू हो जाते हैं, जी वो हो गया, जी एक अपॉर्चुनिटी निकल गई, जी फलां हो गया, हमास के पीछे लग गए। भाई हमास की सपोर्ट करने से ज्यादा है अपने मुंह पे कालक मलने का दुनिया में और कोई तरीका है ही नहीं। एक जो है वो सीधा सीधा रिकग्नाइज किस्म का एक फैक्ट है कि हमास बुनियादी तौर पे एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आइन और मंशूर और उसकी जो है वो पैलेस्टाइन के इशू पे उसकी पॉलिसियां जो हैं अनरियलिस्टिक हैं और नाकाबले अमल हैं, ये मुमकिन नहीं है। और वो जो है जो मशरक़ वुस्ता में सलूशन जो है उसका हिस्सा नहीं है बल्कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बन के सामने आ गई है कि वहाँ पे अमन के रास्ते में ये एक रुकावट है, इज़ नॉट ए फैसिलिटेटर। तो उसके बावजूद आप उसकी सपोर्ट करें तो इसका मतलब है कि आप फलस्तीनी अवाम से हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। फलस्तीनी अवाम का जो अशर उसने किया, जितनी बड़ी तादाद पे उनको मरवाया माजी में विदाउट एनी आउटपुट, और जिस तरीके से अब वो मरवा रहे हैं उनको यरगमाल बना के कि उनको पानी, उनको खुराक और उनको अद्वियात तक भी रसाई, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उस अथॉरिटी को जो रन करती है शो। अब गजा में शो तो बहरहाल हमास रन करता है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को इस तरह की सिचुएशन में ना डाले जहां वो इस तरीके की भूख, नांग, बीमारियों और सफोकेशन में कहूँगा का शिकार होके मर जाए। तो ये काम वो कर रहे हैं तो पाकिस्तान उसकी सपोर्ट कर, पाकिस्तान के ये सारे सफारतकार जो हैं वेस्ट में ये तो चुप गए। मैं कल भी किसी से कह रहा था भाई ये हमारे एमपीए जो एमपीज और एमएनएज हैं ये क्यों अंडरग्राउंड हो गए, ये जो है म्यूटेड हो गए, क्योंकि वेस्ट की तो एक खुली पॉलिसी है जी, कहते हैं जी वेस्ट मुनाफ़त करता है। आप मुझे बताएं इस इशू पे कहाँ पे उन्होंने खुल के एक स्टैंड ले लिया कि जी ये मसला है और हम जो है हमास के खिलाफ हैं और हम इसराइल की हमायत कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। उसमें हमारे ये जितने आगे पीछे बातें करने वाले होते थे एमपीएस, एमएनएस, इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन द वेस्टर्न सोसाइटीज, वो सारी बरियानी पार्टियों से गायब हो गए। बरियानी पार्टी हो ही नहीं रही है जब से जो है ना इसराइल और हमास का शो शुरू हुआ, चूंकि उनसे लोग पूछते हैं कि भाई आप किसके साथ हैं, अब वो किसका क्या जवाब देंगे, वो किसके साथ हैं। उन्होंने जिस तरीके से जो पापड़ बेल के टिकट लिए हुए हैं वो कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए थोड़े ही हैं या अपने ज़मीर की आवाज़ उठाने के लिए थोड़े ही हैं, तो वो छुप गए। अब ये क्या है,
जब नौबत यहाँ तक पहुंच गया जाए एक कंट्रोवर्शियल इशू में, तो उसको पाकिस्तान को किस पागल कुत्ते ने काटा है कि वो जाके एक ऑब्वियस किस्म के लूजर के साथ बैठ जाए कि नहीं जी हम हमास के साथ हैं, ये इस्लामी क्या इस्लामी, मतलब व्हाट इस्लाम हैज टू डू विद हमास। किसी भी तरीके से आप उसकी कोई जस्टिफिकेशन हमें पेश करके बताएं। तो ये मुझे हैरत होती है सर, ये मैंने अपनी किताब में भी जो फेल डिप्लोमेसी में लिखा था कि मैं ये समझने से कासर हूँ कि जो पाकिस्तान का पॉलिसी मेकर है उस वो आखिर लॉजिक कौन सा यूज करता है इस तरह के डिसीजन करने में। फॉर एग्जांपल एट दिस मोस्ट क्रिटिकल जो टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, उसमें ये डिसीजन करना कि हम हमास के साथ हैं। फॉर एग्जांपल भाई आपने कुछ खाया हुआ हमास का, खाया हुआ अगर नहीं है तो आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग क्या जो लाखों करोड़ों फलस्तीनी जो हैं जो हमास को नहीं मानते वो सारे गद्दार हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, उनके पीछे कुरान और हदीस नहीं है। इस्लामी दुनिया के बेशुमार मुल्क जो हैं जो हमास को नहीं मानते वो क्या इस्लाम के गद्दार हैं। इवन आओ ये जो आपकी OIC है उसके अंदर भी ये कॉस्मेटिक किस्म के बयानात जो हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, दे के सुबह तो शाम को उन्हीं की पार्टियों में वो जाके उनके खिलाफ तकरीरें कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप की नालायकी है और नाअहली है, और ये चीन और रूस उनसे मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ पैसे जो है अवाम के टैक्स पेयर के पैसे जो हैं उनको मिसयूज किया जा रहा है, दैट्स इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। एक तो जारी बात है रशिया को वो कहते हैं कोई बुलाता नहीं है हमें, हमारे वज़ीर आज़म से भी किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा शायद कोई एनर्जी की ज़रूरियात पूरी हो जाए, शायद वाली बात है। तीसरा जो जैसे आपने कहा कि ये सारे का सारा चाइना और जो रशिया का लिमिटेड पोलिट कैपिटल है उसको वो कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, और